और गलत सलत प्रचार करता और कोई काम आप देखते हम धन्यवाद देते हैं श्री नीतीश कुमार जी को इस परिस्थिति में जहां देश का संविधान लोकतंत्र सार्वजनिक संस्थाएं समाजवाद विचारधारा को जहां कुचलने की कोशिश की जा रही थी वही नीतीश जी ने एक मीटर डिसीजन लेते हुए निर्णय लेते हुए फिर से महागठबंधन में वापसी करने का काम किया ये काबिले तारीफ है और हम लोगों का कमिटमेंट है हम लोगों ने स्वीकार किया कि महागठबंधन का नेतृत्व आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी करेंगे पूरा मजबूती के साथ हम महागठबंधन जितना साटो दल है हम लोग एकजुट काम कर रहे हैं जहाँ चुनाव लड़ रहा है उपचुनाव और महागठबंधन के प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से श्रीमती नीलम जी हम आप लोगों के बीच आए हैं आदरणीय लालू जी का संदेश लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चोट लगी है इस कारण वश नहीं आए हमारे साथ आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र जी ने विस्तार रूप से आप लोगों को बताया हमारे पिता राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी भी आना चाहते थे लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उनका किडनी का ट्रांसप्लांट होना है ऑपरेशन होना है इसके लिए वो सिंगापुर जाएगा इस वजह से वो आए नहीं लेकिन आदरणीय लालू जी का आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यही संदेश है कि एक एक वोट जो है लालटेन पे दबा करके नीलम जी को भारी मतों से आप लोग विजय बनाएंगे यहाँ लड़ाई का यहाँ भाजपा आपस लड़ाई कहीं कोई टिकने वाला है अरे हम क्या बताए लोग बिकाऊ लोग टिकाऊ होता है सब तो दूसरा ढूंढा दिक्कत हो रहा है यार आ गया यहाँ तो खाली ये देखना है तो अनंत सिंह जी पिछला बार चुनाव में कितना में लड़े कितना में जीते कितना उनको वोट मिला और इस बार नीलम जी अनंत सिंह को पटकती है कि नहीं पटकती है लड़ाई तो मानसिक करना है और देखिए भाई हमको तो पूरा विश्वास है कि पटक जाए देखो और किसी से लड़ाई नहीं देखना कि पिछला वाला रिकॉर्ड अब टूटता है कि नहीं टूटता भरी महिला है एक लाख और महिला होने के नाते हम तो जितनी महिलाएं और बहने आई हैं हम उन सब लोगों से भी हाथ जोड़ करके अपील करेंगे अपने घर की बेटी को बहू को आप लोग भारी मतों से जो है जिताने का काम कीजिए अनंत सिंह से भी ज्यादा वोट से आपको जिताने का तो आपको लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा